कोरोना केसेस में नुमाया कमी, सिंध में 5 माह बाद लॉकडाउन नरम करने का फैसला। कल से तमाम तजारती और सनअती सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। कारोबारी औकात भी बढ़ाकर रात 9 बजे तक कर दिए जाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। शादी हॉल्स, तालीमी इदारों से मुतल्लिक फैसला आइंदा माह होगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। नेप्रा ने 5 माह के लिए बिजली की कीमतों में 5.28 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया। सार्फीन पर 50 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। उधर डिजिटल मीटरों को डिवाइस लगाकर अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने वाला ग्रोह गिरफ्तार। फोटोशूट का इजाजत नामा लेकर रक्स, तारीखी मस्जिद वजीर खान का तकद्दस पामाल। अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद मस्जिद वजीर खान के सहन में रक्स करते रहे। सबा कमर और बिलाल सईद के रक्स के नाकाबले तरदीद मनाजिर सामने आ गए। अदाकारा और गुलकार ने मस्जिद में सिर्फ तस्वीर की शूटिंग का दावा किया था। वजीर आला पंजाब का मस्जिद का तकद्दस पामाल करने का नोटिस। सरदार उस्मान बुजदार ने मस्जिद वजीर खान में गाने की शूटिंग पर वजीर औकाफ से रिपोर्ट तलब कर ली। सूबाई वजीर सईदुल हसन का जिम्मेदार अहलकारों को मुअत्तल करने का हुक्म। सबा कमर और बिलाल सईद के खिलाफ मुकदमे के लिए थाना लोयरमाल में दरख्वास्त। ट्रंप ने कोरोना मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स अमरीकियों की मुलाजमतें बचाएंगे, वर्कर्स को रिलीफ देंगे। हर माह $400 बेरोजगारी अलाउंस जारी रहेगा। तलबा के कर्जों की अदायगी मुलतवी और सूद माफ कर दिया गया।